नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। भारतीय सेवा में कार्यरत समस्त कर्मचारी, अधिकारी व जनप्रतिनिधियों तथा समस्त देशवासियों को डायरेक्टर माननीय श्री अजय कुमार पांडे जी व बीएनएन और सीएनएन न्यूज चैनल व परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन दो शब्दों को मिलाकर बनता है, रक्षा और बंधन। इसका मतलब है एक ऐसा बंधन जो रक्षा करता है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा ये त्यौहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन का त्यौहार भाई को अपनी बहन के प्रति उसका कर्तव्य याद दिलाता है। इस त्यौहार को केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी पुरुष महिला मना सकते हैं। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी खुशी और स्वास्थ्य के लिए मन्नत मांगती हैं। भाई भी राखी बांधने के बदले अपनी बहन को गिफ्ट देता है और उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। रक्षाबंधन का इतिहास। रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय घरों में खुशियों के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार को गरीब से लेकर अमीर तक सभी मनाते हैं। जैसे सभी त्यौहारों का इतिहास होता है, ऐसे ही रक्षाबंधन का भी अपना इतिहास है। आइए हम आपको रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में बताते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार सबसे पहले सन 300 BC में मनाया गया था। उस समय अलेक्जेंडर भारत को जीतने के लिए अपनी सारी सेना लेकर यहाँ आया था और यहाँ सम्राट पुरु का काफी नाम था। अलेक्जेंडर ने कभी किसी से मात नहीं खाई, लेकिन सम्राट पुरु की सेना के साथ लड़ने में उन्हें परेशानी हो रही थी। लेकिन जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला तो उसने सम्राट पुरु के लिए राखी भिजवाई। उनका राखी भिजवाने का मकसद ये था कि जिससे सम्राट पुरु उनके पति अलेक्जेंडर को जान से ना मारे। इसलिए पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी को भेजी हुई राखी का रिश्ता निभाया और अलेक्जेंडर को नहीं मारा। भविष्य पुराण के मुताबिक असुर राजा बाली ने देवताओं पर हमला किया था, तो उस समय देवताओं के राजा इंद्र को काफी क्षति पहुंची। इंद्र की पत्नी सची से ऐसी स्थिति देखी नहीं थी। फिर वह विष्णु जी के पास गई और उनसे समाधान मांगने लगी। तब विष्णु जी ने सची को एक धागा दिया और कहा कि वैसे धागे को अपनी पति की कलाई पर बांधे। ऐसा करने पर इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हो गई। इसलिए पुराने जमाने में युद्ध में जाने से पहले सभी पत्नियां और बहनें अपने पति और भाइयों के हाथ में रक्षा का धागा बांधती। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था तो उनके हाथ खून में सन गए थे। फिर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर कृष्ण जी के हाथ में बांध दिया था, जिसके बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मुसीबत के समय सहायता करने का वचन दिया। महाभारत में राखी। माना जाता है कि जब युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा कि वह सारे संकटों को कैसे पार कर सकता है, तो कृष्ण जी ने उन्हें रक्षाबंधन का त्यौहार बनाने की सलाह दी। संतोषी माँ की कहानी। गणेश जी के दोनों पुत्रों को कोई बहन नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी एक बहन चाहिए। इसलिए तब नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को अपनी शक्ति का प्रयोग कर संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा। दोनों भाइयों ने रक्षाबंधन के मौके पर ही अपनी बहन को पाया। लक्ष्मी राजा बलि की कथा। कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुरों के राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। दानवीर बलि इसके लिए सहज राजी हो गया। वामन ने पहले ही पग में धरती नाप ली तो बलि समझ गया कि ये वामन स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। बलि ने विनय से भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अगला पग रखने के लिए अपने शीश को प्रस्तुत किया। विष्णु भगवान बलि पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। असुर राजा बलि ने वरदान में उनसे अपने द्वार पर ही खड़े रहने का वर मांग लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने ही वरदान में फंस गए। तब माता लक्ष्मी ने नारद मुनि की सलाह पर असुर राज बलि को राखी बांधी और उपहार के रूप में भगवान विष्णु को मांग ली। रक्षाबंधन। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्यौहार इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। एक हिंदू व जैन त्यौहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी या सरयू भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावी रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक ही हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्यौहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। राखी सामान्यतः बहनें भाई को बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरु और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों भी
बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन बाजार में कई सारे उपहार बिकते हैं। उपहार और नए कपड़े खरीदने के लिए बाजार में लोगों की सुबह से शाम तक भीड़ होती है। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को राखी के बदले कुछ उपहार देते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के प्यार को और मजबूत करता है। इस त्यौहार के दिन सभी परिवार एक हो जाते हैं और राखी उपहार और मिठाई देकर अपना प्यार साझा करते हैं। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरुष सदस्य परस्पर भाईचारे के लिए एक दूसरे को भगवा रंग की राखी बांधते हैं। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन समय में ब्राह्मणों व गुरुओं द्वारा अपने शिष्य और यजमान को राखी बांधी जाती है, पर अब राखी का स्वरूप पहले की अपेक्षा परिवर्तित हो गया है। रक्षाबंधन मनाने की परंपरागत विधि। इस पर्व पर बहनें सुबह स्नान करके सुबह पूजा की थाल सजाती हैं। पूजा की थाल में कुमकुम, राखी, रोली, अक्षत, दीपक तथा मिठाई रखी जाती है। तत्पश्चात घर के पूर्व दिशा में भाई को बैठा कर उसकी आरती उतारी जाती है। सिर पर अक्षत डाला जाता है, माथे पर कुमकुम का तिलक किया जाता है, फिर कलाई पर राखी बांधी जाती है, अंत में मीठा खिलाया जाता है। भाई के छोटे होने पर बहनें भाई को उपहार देती हैं, अपितु भाई बहनों को उपहार देते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए पर्वों, त्योहारों व उपवास की विधि विधान हमारी सभ्यता संस्कृति के रक्षक हैं। इन सबसे हमारी पहचान है, अतः हमें इसे बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। BNN CNN न्यूज ग्रुप एंड कंपनी ने हमेशा से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर रहा है। एक बार पुनः रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भारतीय सेवा में कार्यरत समस्त कर्मचारी, अधिकारी व जनप्रतिनिधियों तथा समस्त देशवासियों को BNN और CNN न्यूज चैनल व परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।